नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्य शर्मा और आप सभी लोग का हमारे आयुष होम्योपैथिक क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल के दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि फीवर की समस्या को लेकर के दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि किसी के भी टेस्ट में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा घटी हुई मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके इस तरह की समस्या को बहुत जल्द इंक्रीज कर देता है। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर कोई ब्लड टेस्ट अपना लेकर के आता है तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा घटी हुई मिलती है। दोस्तों, तो प्लेटलेट्स को इनक्रीज़ करने के लिए अगर आपको इस तरह की समस्या है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप अपना ब्लड चेक जरूर करवाएं। ब्लड चेक में CBC अगर आप करवा लेते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स आपको मिल जाता है। तो जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, मन नहीं लगता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो ऐसे में दोस्तों अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, जिसमें अगर आप CBC करवाते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स आपको मिल जाता है। 1.5 लाख से दोस्तों लगभग 4.5 लाख तक इसका मान होता है, वैल्यू होता है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल 1,20,000, 1,10,000 लोगों का अक्सर बना रहता है। तो इस तरह के कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, मैं बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जिससे आपका प्लेटलेट्स वाली समस्या बहुत जल्द सही हो जाती है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए इस कॉम्बिनेशन को कैसे तैयार करना है, दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ और इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इधर रेड कलर का एक सब्सक्राइब का एक बटन दे रहा होगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की समस्या से अगर आपको कोई जानने पहचानने वाला परेशान है दोस्तों, तो उन तक ये वीडियो हमारा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का नॉलेजबल वीडियो हम लाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए इधर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके आल वाले पोर्शन पे सेलेक्ट कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम प्लेटलेट्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, हम इसमें दो कॉम्बिनेशन तैयार करना होता है, जिसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन के बारे में हम बता देते हैं, फिर दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बता देते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है दोस्तों, उसके बारे में बता देते हैं, और दूसरे कॉम्बिनेशन को कैसे तैयार करना है उसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, पहले कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, पहले कॉम्बिनेशन में 3 मेडिसिन यूज़ करना है, मदर टिंचर में यूज़ करना है। पहली मेडिसिन है टीनोस्पोरा, दोस्तों ये प्लेटलेट्स अकाउंट को बहुत तेज़ इंक्रीज करता है। दूसरी मेडिसिन इसमें जो यूज़ करना है, ऑसिमम कैन क्यू में यूज़ करना है दोस्तों, मदर टिंचर में यूज़ करना है, बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, प्लेटलेट्स अकाउंट को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और तीसरी मेडिसिन कैरिका पपाया क्यू में लेना है दोस्तों। इन तीनों मेडिसिन को लेकर के दोस्तों, और एक बड़े फाइल में बराबर क्वांटिटी में लेकर के मेडिसिन को, जैसे 10-10 ml तीनों मेडिसिन ले लेते हैं और एक बड़ी 30 ml की CC में फाइल में बंद करके रख लेते हैं दोस्तों। तीनों मेडिसिन को बराबर क्वांटिटी में मिला करके रख लेते हैं और इस मेडिसिन को दोस्तों 30 बूंद आधे कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना होता है दोस्तों। तो पहले कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने दोस्तों 3 मेडिसिन को यूज़ किया है, टीनोस्पोरा, कैरिका पपाया और ऑसिमम, तीनों मेडिसिन क्यू फॉर्म में लेना और इस मेडिसिन को दोस्तों सुबह दोपहर शाम 30 बूंद यूज़ करना होता है, आधे कप पानी में डाल करके। आपको सिप बाय सिप अगर आप पीते हैं तो मेडिसिन और अच्छे से काम करती है। आइए दोस्तों, हम दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बता देते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको क्या करना है, 4 मेडिसिन लेना है, 30 पावर में लेना है, जिसमें पहली मेडिसिन है जेलसीमियम 30 पावर में लेना है दोस्तों। ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दूसरी मेडिसिन जो लेना है दोस्तों, बेलाडोना लेना है, बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और बहुत तेज़ ये फीवर की समस्या को सही करती है। और तीसरी मेडिसिन जो दोस्तों यूज़ करना है, जिसका नाम है रस्टॉक्स, बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है दोस्तों, 30 पावर में लेना है। और चौथी मेडिसिन का नाम है दोस्तों यूपेटोरियम परफोलिएटम, 30 पावर में लेना है। तो इन चारों मेडिसिन को दोस्तों 10-10 ml लेकर के एक बड़े फाइल में हम मिला करके रख लेते हैं। जैसे आप जहाँ से मेडिसिन लेते हैं वहाँ पे अगर बड़ी वाली कोई CC आप मांगते हैं तो वहाँ से मिल जाती है दोस्तों, उनके पास होता है। जिस मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन लीजिए वहीं से एक बड़ी फाइल ले लीजिए, तो उसी में दोस्तों 10-10 ml चारों दवाइयाँ लेकर के आपको रख लेना, अच्छे से मिला के रख लेना। इस मेडिसिन को दोस्तों आपको क्या करना है, 5 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल करके दोस्तों लेते रहना है, जो कि आपके प्लेटलेट्स काउंट अगर कम रहते हैं, फीवर बना रहता है, तो इस तरह की समस्या को दोस्तों बहुत जल्द सही कर देता है।
तो दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में दोस्तों चार मेडिसिन यूज करना है, जेलसीमियम, बेलाडोना, रस्टाक्स और चौथा मेडिसिन है आपका इपेटोरियम। इन सभी मेडिसिन का मैं इधर पिक्चर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिए, आराम से देख लीजिएगा। और सभी मेडिसिन के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ताकि आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर सकते हैं। पहले वाले कॉम्बिनेशन में हमने तीन मेडिसिन यूज किया है। पहली मेडिसिन है जिसमें टीनोस्पोरा, ऑसिमम और आखिरी मेडिसिन कैरिका पपाया। तीनों मेडिसिन को पहले वाले कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है दोस्तों, और दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में आपको जेलसीमियम, बेलाडोना, रस्टाक्स और इपेटोरियम, इन चारों मेडिसिन को 30 पावर में यूज़ करना है। तो इस तरह से दोस्तों इस मेडिसिन को आप बताए गए डोज के अनुसार यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट अगर बहुत ज़्यादा कम है तो इस तरह की समस्या को दोस्तों बहुत तेज़ रिकवर कर देता है, बहुत जल्द सही कर देता है, और आपके शरीर में जो दर्द बना रहता है, जोड़ में दर्द बना रहता है, फीवर बना रहता है, उस समस्या आपकी बहुत जल्द सही हो जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों प्लेटलेट्स काउंट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं इसके बारे में था, फीवर को कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में था। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार के किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना है, कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट बॉक्स में जा करके किसी भी प्रकार का कोई भी होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई बहुत जल्द करता हूँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना, मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा नए मेडिसिन के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैलाइए, पॉलीथीन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।